नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीषा वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादी नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कंध का अष्टम अध्याय प्रारंभ हुआ है, नवम अध्याय प्रारंभ हुआ है। पिछले अध्याय में महाराज परीक्षित ने तीन प्रकार के प्रश्न किए। एक तो उन्होंने यह संशय किया कि चेतन जीवात्मा का अचेतन पांच भौतिक देह से संबंध कैसे होता है, और दूसरा कि समष्टि परमेश्वर का भी विग्रह जीवात्मा के ही शरीर के समान, व्यष्टि शरीर के समान समष्टि रूप है, तो दोनों में स्वामी से विभावक संबंध का कारण क्या है, क्यों ईश्वर सेव्य है और जीव उनका सेवक है, जीव की तरह से वह ईश्वर क्यों भी उपद्रवग्रस्त नहीं होता। इसके अतिरिक्त उन्होंने पुराणार्थ के संबंध में विविध प्रकार के प्रश्न किए और उनका उत्तर देते हुए श्री भगवान सुखदेव जी ने चेतन जीवात्मा का पांच भौतिक स्थूल अचेतन देह के साथ संबंध का कारण बताया भगवान की माया। भगवान की माया में संसक्त होकर के माया के सत्वादी गुणों में रमण करने के कारण चेतन आत्मा अहंता ममता को बना लेता है देह के प्रति, और इसलिए इसी प्रकार से समग्र विश्व में अनेक रूपों में वह भ्रमण करने लगता है, और जब वह अपनी मूलभूत स्वरूप महिमा में स्थित हो जाता है, काल और माया से परे पहुंच जाता है, तब वह अहंता ममता को छोड़ करके मुक्त अवस्था में स्थित हो जाता है। ये सब विषय बताने के बाद अब चौथे का मूल हुआ था, ठीक है, इसके रह गए थे ना। माने एक और जो प्रश्न था कि जैसा विग्रह वाला जीवात्मा है वैसा ही समष्टि भगवान का भी विग्रह है, तो इसलिए वह कौन सा कारण है कि जीव भगवान का भजन करके मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, अपनी महिमा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, आत्मतत्व विशुद्ध्यर्थम यदा भगवान वृतम ब्रह्मणे दर्शन रूपम अव्यलीक व्रताद्रतः। इसका साधन
श्री सुखदेव भगवान यह कह रहे हैं कि राजन, यह बात ब्रह्मा जी के दृष्टांत से समझनी चाहिए। ब्रह्मा जी को स्वयं परमेश्वर परमात्मा ने, भगवान ने, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आत्म तत्व की शुद्धि के लिए श्रीमद् भागवत का उपदेश किया है और भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन दिया और श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। उपदेश क्यों किया? आत्म तत्व के विशुद्ध स्वरूप को जानने के लिए, क्योंकि संसार के सारे जीव अपने आत्म स्वरूप के विशुद्ध स्वरूप को नहीं जानते, इसीलिए अहंता ममता का शिकार होकर के संसार में भटकते रहते हैं। वह आत्मा के विशुद्ध स्वरूप का बोध कैसे हो, इसी के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने स्वरूप का दर्शन कराया पहले और श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। और क्यों किया भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन और भागवत का उपदेश? तो ब्रह्मा जी के अव्यलीक व्रताद्रतः, ब्रह्मा जी के निश्चल तप के कारण, ब्रह्मा जी ने निश्चल निष्कलुष जो भगवान का तप किया, आराधना की, इससे भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। और जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने, भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने स्वरूप का दर्शन भी कराया और फिर श्रीमद् भागवत का चतुश्लोकी का उपदेश भी किया। टीका इसकी, यच्चोक्तम् परमेश्वरस्याद् देह संबंधा विशेषात् कथम तद्भक्त्या मोक्षः स्यात्। ये जो प्रश्न किया था महाराज परीक्षित ने कि जैसा पांच भौतिक देह से जीवात्मा का संबंध है, ऐसा ही परमेश्वर का भी है। थोड़ा देह उनका विराट है, बड़ा है, किंतु है तो संबंध। देह संबंधा विशेषा, देह संबंध में कोई फर्क है नहीं। तो फिर समान होने से कैसे जीव भगवान की भक्ति से मोक्ष प्राप्त कर सकता है? आशीद यद उदरात पद्म इत्यादि ना, यह बात महाराज परीक्षित ने पीछे के अध्याय में कही है कि जिन नारायण भगवान के उदर से पद्म प्रकट हुआ, कमल प्रकट हुआ, उसी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो इससे भगवान का विराट विग्रह देह बताया गया। आत्मनो जीवस्य तत्व विशुद्ध्यर्थम्, इस शंका के उत्तर में कि भगवान की भक्ति से कैसे मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि देह तो दोनों के समान है, तो कहते हैं आत्मनो जीवस्य तत्व विशुद्ध्यर्थम्। आत्मा जो जीव है उसके तात्विक विशुद्ध स्वरूप को, माने तत्व ज्ञान को प्राप्त कराने से तद्भवत्येव, वह वास्तव में मोक्ष सिद्ध ही होता है। किम तत्व, वह कैसे तत्व ज्ञान कैसे होता है? तो कहते हैं कि यत् तप आदिना भजनम भगवान ब्रह्मणे आह। तो स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को यह कहा है कि ब्रह्मा जी तुम तप करो। इसका मतलब यह है कि तप करना भगवान की भक्ति करना है, भगवान के दर्शन का साधन है, तत्व ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। स्वयं भगवान ने कहा है कि तप करो।
यत तप आदिना भजनम भगवान ब्रह्मणे आह किम कुर्वन, कैसे किस समय कहा, ऋतम सत्यम चिद्घनम रूपम दर्शयन। भगवान ने पहले अपना ऋत सत्य चिद्घन है ना स्वरूप को प्रकट किया, ब्रह्मा जी ने भगवान के स्वरूप का दर्शन किया और तब उनके साधन की प्रशंसा की और चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। तो भगवान ने कैसे दर्शन दे दिया, क्यों दर्शन दे दिया, तो दर्शने हेतु हो। ब्रह्मा जी को भगवान ने दर्शन का हेतु क्या है, अद्यनिकेन व्रतेन तपसा आद्रता सेविता सन। अद्यनिक माने निष्कपट है ना, छल कपट से रहित व्रत रूप तप के द्वारा भगवान का आदर किया ब्रह्मा जी ने। यही सेवन करना है, सेवा करना है, तो निश्चल तप रूप व्रत के द्वारा, व्रत रूप तप के द्वारा भगवान की सेवा करने से भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने अपना दर्शन दिया और उपदेश भी किया। अयम भाव, तो इस वक्तव्य का भावार्थ श्रीधर स्वामी अपनी ओर से कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जीवस्य अविद्या मिथ्या रूप देह संबंध। जीव का जो देह के साथ संबंध है, भगवान का भी संबंध है, अंतर बता रहे हैं। जीव का जो देह के साथ संबंध है वह तो अविद्या से है ना, अविद्या माने मिथ्या रूप देह संबंध। किंतु ईश्वर का जो विराट विग्रह से संबंध है, ईश्वर सितु योग माया, ईश्वर भगवान का तो योग माया के द्वारा संबंध है। चिदघन लीला विग्रह विर्भाव, और देखिए योग माया से ईश्वर के विराट देह का संबंध जीव जैसा अविद्या के कारण नहीं है, वह तो भगवान की इच्छा के अनुसार है। भगवान चिदघन लीला के लिए विग्रह प्रकट करते हैं, उनकी स्वतंत्र संकल्प है कि मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। जीव कोई स्वतंत्र संकल्प से थोड़े देह प्राप्त करता है, वो तो बाध्य है, उसने ऐसे कर्म किए हैं इसलिए देह उसको मिलना ही मिलना है। किंतु ईश्वर को कोई बाध्यता नहीं है, वह तो योग माया के द्वारा है ना लीला के लिए विग्रह का आविर्भाव करता है। यह महान विशेषांतर है, इसलिए भगवान की भक्ति से जीव को मोक्ष मिलता है। अतस्तद भजनान मोक्षोपपत्ति रीति, इसलिए महाराज का जो प्रश्न था कि देह संबंध जीव को भी है ईश्वर को भी है, तो क्यों भगवान के भजन से मुक्ति होती है जब बराबर बराबर हो गए। अब आगे आप कहते हैं कि तद भगवत भजना देव तत्व ज्ञानम, भगवान के भजन से ही तत्व ज्ञान होता है और तत्व ज्ञान होने से अविद्या निवृत्त हो जाती है, मिथ्या देह के साथ में जो संबंध है अविद्या से वह निवृत्त हो जाता है। यह कैसे होता है इसका विस्तार से निरूपण करने के लिए ब्रह्मणोपि तत्व ज्ञानम तत् प्रसादा देवेति। ब्रह्मा जी को भी तत्व ज्ञान जो हुआ तो वह भगवान की प्रसन्नता से ही हुआ। इत दर्शयितुम इतिहास माह, यह दिखाने के लिए इतिहास बता रहे हैं जो पूर्व में घटना घटित हुई है सा इत्यादि से। कहते हैं कि ब्रह्मा जी जब भगवान के नाभि कमल में प्रकट हुए तो वे
विचार करने लगे। स आद देवो जगतां परो गुरु स्वधिष्णमास्थाय शिशुक्षत। वे आदि देव ब्रह्मा जो सारे संसार के आदि गुरु हैं, जगत परोपर गुरु हैं। स्वधिष्णमास्थाय शिशुक्षत, अपने स्थान पर माने कमल में बैठ करके संसार की रचना करने के बारे में चिंतन करने लगे। सुरक्षा ऐक्षत, चिंतितवान, विचार करने लगे कैसे करें, क्या बनावें। किंतु उनको वह विधा का ज्ञान नहीं हुआ कि हम संसार की रचना कैसे करें। तामनाभ्यगच्छन् दृशमत् प्रसम्मताम्। दृशम माने दृष्टि, उनको वह दृष्टि नहीं प्राप्त हुई बहुत विचार करने पर भी। कौन सी दृष्टि? प्रपंच निर्माण विधिर्यया भवेत्। जिस दृष्टि के द्वारा प्रपंच के निर्माण की विधि संपन्न हो, ऐसी दृष्टि, ऐसी युक्ति उनको उसका बोध नहीं हुआ, भान नहीं हुआ। टीका साहित्यादिना परो गुरु भक्ति रहस्योपदेष्टा। श्री ब्रह्मा जी को जगत का परम गुरु कहा जा रहा है। तो कहते हैं क्यों? तो गुरु क्या करते हैं? साधन का उपदेश करते हैं। तो भक्ति रूप जो साधन है, रहस्य भूत है, उसका उपदेश करने वाले ब्रह्मा जी जगत के गुरु हो गए। वे स्वधिष्ण्यम पद्मम आस्थाय अधिष्ठाय। वे अपने स्थान पर जहां प्रगट हुए थे, भगवान के नाभि कमल में प्रगट हुए थे, तो वहीं स्थित हो गए। और तस्याधिष्ठानान वेषणाय, है ना, हमको किसने पैदा किया है? कमल में हम प्रगट हुए हैं तो कमल को किसने पैदा किया है? तो उसकी नाल को पकड़ करके ब्रह्मा जी नीचे समुद्र में घुसे, प्रलय के जल में, और बहुत वर्षों तक ढूंढते रहे किंतु उनको कुछ पता नहीं चला। उसी को कह रहे हैं तस्याधिष्ठानान वेषणाय, इस कमल का मूल कहाँ है, कहाँ से पैदा हुआ है? पूर्वम जले निमग्नः, जल में घुस गए, निमग्न हो गए, किंतु मूल का पता नहीं चला, अधिष्ठान का पता नहीं चला। परावर्त लौट आए स्वधिष्णे स्थित्वा, और फिर उदास होकर के नाभि कमल में विराजमान हो गए। बहुत विचार करने लगे, सोचने लगे कि या तो पता चला नहीं कि हमको किसने पैदा किया है, और अब विचार करने लगे आयुक्षत तत् कथम सृष्टव्यम इत्यालोचितवान। अब उनको हुआ कि आखिर हमको संसार बनाने के लिए अगर किसी ने पैदा किया है तो हमको कैसे संसार बनाना चाहिए, कैसे हम रचना करें, यह विचार करने लगे। किंतु वह ज्ञान भी उनको नहीं प्राप्त हुआ। ताम दृशम प्रज्ञाम अत्र सृष्टि विषये सम्मताम अभिविचारणीम। उस प्रज्ञा को, दृष्टि को, जो सृष्टि जिसके द्वारा होनी थी, वह सम्मत दृष्टि, अभिविचारणी दृष्टि उनको प्राप्त नहीं हुई। विधि माने प्रकार, ढंग। तब अब यह चिंतन करने में ब्रह्मा जी लगे ही थे, तब तक क्या होता है, अब भगवान का अनुग्रह प्रारंभ होता है। सा चिंतन द्वक्षर में कदाम्भस्ुपासनो दीर्घदितम बचो विभु। स्पर्शेशु यूरस में कंशम निष्किंचनानाम नृपयधनम विदुहु। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि वे ब्रह्मा जी, विभु ब्रह्मा जी, चिंतन कर ही रहे थे कि कहां से कैसे सृष्टि रचना की विधि हमको प्राप्त हो।
तो वे चिंतन कर ही रहे थे कि उनको एक वाणी सुनाई पड़ी, दो अक्षर का वाक्य सुनाई पड़ा। द्वक्षरम एकदा अम्भस उपासनोत, उपासनोत माने जैसे यही कोई आके कह गया हो, उप माने समीपे, कान के समीप कोई आके कह गया हो। और वह वाणी कैसी थी, दो अक्षर की थी और दीर्घदितम, दो बार दोहराई गई थी, दीर्घदितम वचः माने वाणी, विभू ब्रह्मा ने सुना। अच्छा कौन सी वाणी थी वह, स्पर्शे सुयद सोरस में एक विंशम, व्यंजन वर्णों में देखिए 25 वर्ण स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं, कादयो मावसाना स्पर्शाह, लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण में कहा गया। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, प्रत्येक वर्ग में 5-5, तो 16वां वर्ण तो हो गया ता, टू चू टू पांतियां 15 और तवर का ता 16 हो गया, और पवर का पा हो गया 21वां, तो 16वां और 21वां ता और पा, तक ये दो अक्षर उनको सुनाई पड़े और दो बार सुनाई पड़े, तक 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 करो, तक करो, लोप लकार है, लोप लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में है, तप शब्द बनेगा, है ना, व्याकरण के नियम से तप 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 करो, तप करो। लोप लकार लिंग लकार का प्रयोग वेद में आज्ञा के लिए किया जाता है, संध्या मुपासित एवं कुरु, तो लिंग लोप, विधिलिंग, आशिषलिंग, तव्यत, ये 5 प्रत्ययों के द्वारा वेद की विधियां कही जाती है, तो उनमें से लोप लकार के मध्यम पुरुष का है ना। और जगह जैसे मातृ देव भाव, पितृ देव भाव, ऐसे कहीं पर प्रथम पुरुष की क्रिया, कहीं मध्यम पुरुष की, तो यहां तो साक्षात ब्रह्मा जी को आदेश भगवान दे रहे हैं, इसलिए मध्यम पुरुष कि तुम ये करो। सामान्य वचन में है तो प्रथम पुरुष हो जाएगा, ऐसा करे ऐसा करे, मनुष्य मात्र ऐसा करे, किंतु ब्रह्मा जी के लिए मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग है कि तप करो, तप करो, तुम तप करो, तुम तप करो, ये कह रहे हैं। कहते हैं कि यह जब वाणी निकट से सुनाई पड़ी ब्रह्मा जी को, कान के पास कोई कह गया, कहते हैं कि यह क्या है, निष्किंचना नाम नपयत धनम विदुः। देखिए भगवान सुखदेव जी विशेष इशारा करते हैं कि राजन, यह जो भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया तप करो तप करो, निष्किंचन माने जिनके पास अपना कुछ नहीं है, अकिंचन निष्किंचन, उनका यही धन कहा गया है, तप ही धन है। निष्किंचन साधकों के जीवन का जो तप है वही उनका सबसे बड़ा धन है, उसका उपदेश किया। टीका, सृष्टिम चिंतन कदाचित द्वक्षरम बचो अम्भस उपासनोत, सृष्टि कैसे करें, यह चिंतन कर ही रहे थे ब्रह्मा जी कि कदाचित किसी समय दो अक्षर की वाणी जल में ही सुनाई पड़ी। उपासनोत माने उपसमीपे श्रोतवान, एकदम पास में, ते अक्षरे दर्शयती, तो दो अक्षर कौन कौन है तो उनको बता रहे हैं, कादयो मावसाना स्पर्शाह, का से लेकर के मा तक 25 वर्ण स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं, इन 25 वर्णों में 16वां तकार, 21वां पकार, तेस यद सोरसम तकारो, ये चैक विंशम पकार, तो तप बन गया, तप दो अक्षर से तप बन गया। बदसो निर्देशार्थम तदर्थमाह, वाणी का निर्देश करने के लिए उसका अर्थ कहते हैं।
हे नृप, निष्किंचनानाम तक्त धनानाम धनम यद विदुहु, जो निष्किंचन है, सारे साधनों को आश्रयों को छोड़ दिया है, जिन्होंने त्याग कर दिया है, उनका धन या तप ही है। ये न तपो धना इति प्रसिद्धा, इसीलिए तपस्वियों को, वानप्रस्थियों को, सन्यासियों को तपोधन कहा जाता है, तप ही उनका धन होता है। उनकी मानसिक स्थिति तप में निश्चित रहती है। और तत् दीर्घदितम तप तप, वह भी दो बार वाणी हुई तप तप। तो तप तप का अर्थ क्या है? लोण मध्यम पुरुष एक वचनम, लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन का प्रयोग है। जैसे आगच्छ आओ, गच्छ जाओ, वैसे तप तप है ना। तो कहते एक बार कह देते तप बस। तस दीपसाम सादर विधि रूपान अशोदित्यर्थ, दीपसा का मतलब यह है कि उसमें जोर दिया गया है, अन्य साधनों के चक्कर में मत पड़ो, तप ही करो। आदर पूर्वक विधि रूप जो है दीपसा है यह। अच्छा, आप कहते हैं निशम्य तद वक्त दिदीक्षया दिशो विलोक्य तत्ता दपश्यमान स्वधिष्यमास्थाय विमृश्य तद्धितं तपस्युपादिष्ट इवा दधे मनः। कहते हैं कि यह वाणी जब ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ी पास से, तो वे विचार करने लगे कौन कह रहा है, यह देखने लगे आगे पीछे इधर उधर चारों ओर देखने लगे, है ना, चारों दिशाओं में देखने लगे। माने यह वाणी किसके द्वारा कही गई है? तद वक्त दिदीक्षया, बोलने वाले को हम देखें, पास से ही कोई कह रहा है, है ना। चारों दिशाओं में देखा विलोक के, तत्वान्य दपश्यमानः, किंतु वहां अन्य कोई भी नहीं दिखाई पड़ा, नहीं दिखाई पड़ा। तब विचार करने लगे और विचार करके उन्होंने यह सोचा, स्वधिष्णमास्थाय विमर्श तद्धितम, अपने स्थान पर फिर से शांत होकर के बैठ गए। अब वाणी के बारे में विचार करने लगे, विचार करके विमर्श करते करते उन्होंने क्या निश्चय किया, देखो भले हम देख नहीं पा रहे हैं, किंतु यह वाणी भगवान की हो सकती है, और इस यह वाणी जो है मेरे हित के लिए भगवान की है, उपदेश किया गया है। हाँ, तद्धितम विमर्श्यो, इसी में हमारा हित है, ऐसा निश्चय करके विचार करके तपस्युपादिष्ट इवा दधे मनः, उन्होंने समझा कि तप के लिए हमको आदेश भगवान के द्वारा मिला है, ऐसा विश्वास करके मनः आदधे इव, मन को उसी तप में स्थापित कर दिया। बस अब हम कुछ नहीं करेंगे, तप करेंगे। टीका, एवं निशम तस्य वचसो वक्तुर दिदृक्षया, यह तप तप वाक्य सुन करके इस शब्द को बोलने वाले, वाणी को बोलने वाले को देखने की इच्छा से चारों दिशाओं में देखने लगे। ततः प्रचलित हसन दिशो विलोक, तो कहते हैं कि वे चारों दिशाओं में देखने लगे, पुनः स्वधिष्ठ मास थाए और फिर अपने स्थान पर स्थित हो गए। केनचित प्रत्यक्षम नियुक्त ही, जैसे कोई प्रत्यक्ष रूप में हमको नियुक्त कर रहा हो। तच आत्मनो हितम विमर्श, इसलिए यह हमारे हित का उपदेश है, ऐसा विमर्श तपस्य मनो धृतवा नित्यर्थ, तपस्या में मन अपना समर्पित कर दिया।
और यह तप जो है दिव्यम सहस्राब्द ममोह दर्शनो जिता निलात्मा विजितो भयेन्द्रिय अतप्य तस्माखिल लोक तापनम तपस्तपीयांस्तपताम समाहितः। ब्रह्मा जी ने निश्चय करके सहस्राब्द 1000 वर्षों तक और वह भी 1000 वर्ष दिव्य देवताओं के 1000 वर्ष हमारे 1 वर्ष के बराबर देवताओं का 1 दिन होता है, उसी क्रम से मास वर्ष और ऐसे 1000 वर्ष, इतने वर्षों का है ना। उन ब्रह्मा जी ने, कौन ब्रह्मा जी ने, अमोघ दर्शन, जिनकी दृष्टि अमोघ है, व्यर्थ जाने वाली नहीं है, उन्होंने जिता निलात्मा विजितो भयेन्द्रिय, उन्होंने अनिल माने प्राण वायु को जीत लिया, आत्मा अंतःकरण को अपने अधीन कर लिया, और उभय इंद्रिय माने ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, और इस तरह से अतप्रदस्माखिल लोक तापनम दिव्य 1000 वर्षों तक का तप आरंभ किया। वह कैसा तप है? अखिल लोक तापनम, अखिल लोकों को प्रकाशित करने वाला वह तप है, और स्वयं तपस्तपीयांश तपताम समाहितः है ना, ब्रह्मा जी के लिए विशेषण है तपताम तपियान, तपस्या करने वालों में ब्रह्मा जी सर्वोत्कृष्ट तपस्वी हैं। ऐसे ब्रह्मा जी ने तपस्वियों में श्रेष्ठ तपस्वी होकर के समाहित होकर के तप में लग गए। ठीक है, ततश्च सा ब्रह्मा अखिलानाम लोकानाम तापनम। इसके बाद उन ब्रह्मा जी ने समग्र लोकों को प्रकाशित करने वाला तप अतप्यत स्मकृतवान किया है ना। तप तप इत्येतस्य वचसो अर्थे, तप करो इस वाणी के अर्थ को उन्होंने समझा, समझ करके तप करने में लग गए, और इस अर्थ में अमोघम दर्शनम यस्य, ब्रह्मा जी की यह दृष्टि कि भगवान की यह वाणी हमारे कल्याण के लिए है, यह अमोघ दृष्टि थी, भ्रमित नहीं थे। उन्होंने जितो अनिलह आत्मा मनश्च येन, वायु को और आत्मा अर्थात मन को उन्होंने जीत लिया, अपने वश में कर लिया, और विजितानि उभय इंद्रियाणि, दोनों इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों को भी विजय कर लिया, कर्मात्मकानि येन, तपताम तपश्चरताम मध्ये, तपस्या तो बहुत करने वाले हैं उनके मध्य में, तपियान अतिशयन तपस्वी, ब्रह्मा जी सबसे बड़े अतिशय तपस्वी हैं। तब 1000 दिव्य वर्षों तक तप करने के बाद ब्रह्मा जी को भगवान के लोक का दर्शन होगा, स्वयं भगवान का दर्शन होगा, और उनसे बातचीत होगी। यहां देखिए भक्ति मार्ग के साधन के रूप में यह जो उपदेश किया गया है कि साधन इसी प्रकार से आरंभ होता है। हमारी वैदिक सनातन परंपरा में जिन लोगों को है ना मोक्ष प्राप्त करने की आकांक्षा हो, या भगवान का दर्शन प्राप्त करने की आकांक्षा हो, उनको प्रवृत्ति से अलग हट करके निवृत्त हो करके इसी प्रकार से तप में स्थित होना चाहिए। किंतु जिन लोगों में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि वे प्रारंभ बाल काल से ही मोक्ष के लिए या भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए ध्रुव आदिकों की तरह इच्छुक हों,
तो उनको यह है कि संसार की वासनाओं को लेकर के आए हैं तो प्रवृत्ति धर्म को स्वीकार करो, है ना, वर्ण धर्म आश्रम धर्म के अनुसार। तो वर्णाश्रम धर्म भी तप ही है। विष्णु पुराण में एक वचन है, स्वर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् स्वयं उत्पद्यते ज्ञानम क्षयात् तापस्य कर्मणः। विष्णु पुराण, अपने वर्ण और आश्रम के जो धर्म शास्त्र में कहे गए हैं उनका पालन करना ही तप है, उस तप को करने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। तपसा हरितोषणात्, और भगवान संतुष्ट हो जाते हैं तब चित्त शुद्ध हो जाएगा। स्वयं उत्पद्यते ज्ञानम क्षयात् तापस्य कर्मणः, पाप कर्मों का क्षय हो जाने से ज्ञान अपने आप उत्पन्न हो जाता है। यह है वैदिक सनातन परंपरा का प्रवृत्ति मार्ग वाला घर, वर्णाश्रम वाला। तो इस तरह से यह साधन यहाँ पर बताया गया, इसकी शुरुआत यहीं से है। तप की महिमा के बारे में बहुत सारी बातें जानने समझने की हैं, और यही एक ऐसा साधन है जो शिथिल है। वर्तमान समाज में इस साधन की उपेक्षा, माने इतना ऐसा तप तो जैसा ब्रह्मा जी कर रहे हैं तो बड़ा कठिन है ही, किंतु सामान्य जो वर्णाश्रम धर्म को तप कहा गया है वह भी नहीं है। इसलिए वांछित फल की ओर मनुष्य जा नहीं पाता, भटकता रहता है। इसलिए साधन को गांठ बांधना चाहिए, समझ में तो आ जाए पहले। तप कहते हैं, ठीक है, हो गई ना इसकी। कहते तस्मै स्वलोकम भगवान सभाजितः संदर्शयामास परम नयत परम विपेद संक्लेश विमोह साध्वसम स्वदृष्टवद भिर विबुधैरभिष्टुतम। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, ऐसे उन ब्रह्मा जी को भगवान जिनके लिए तप किया, आज्ञा मान करके तप तप सुन करके, है ना, भगवान की आज्ञा, वेद भगवान की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा वेद आज्ञा को मानने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान सभाजितः, भगवान पूजित हुए, भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो ब्रह्मा ने हमारी बात मान करके तप किया, है ना। ऐसे वेद मार्ग का आश्रय अगर हम लेकर के चलते हैं तो भगवान प्रसन्न होते, ब्रह्मा जी के इस तप से भगवान पूजित हो गए। तप करना भगवान की पूजा करना है, और तब उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न होकर के अपना लोक दिखाया, स्वलोकम संदर्शयामास। और संदर्शयामास माने धुंधला नहीं, साफ साफ दिखा दिया, देखो हमारे वैकुंठ लोक को ब्रह्मा जी ने देखा। भगवान का वह लोक कैसा है? परम नयत परम, भगवान के उस लोक से परे और कोई लोक नहीं है, सारे लोकों से परे है वो, पाप का लोक है वैकुंठ, साकेत गोलोक धाम आदि। हुआ दर्शन, हुआ दर्शन कराया। कहते हैं कि कह रहे हैं कि कैसा है, और विशेषण देखिए भगवान के धाम के लोक की। विपेद संक्लेश विमोह साध्वसम, है ना, भगवान के उस परम लोक में कोई क्लेश नहीं, कोई विमोह नहीं, कोई साध्वस माने कोई भय नहीं, है ना, क्लेश साध्वस विमोह भय सबसे रहित है भगवान का वह धाम। और कहते हैं एक बात और, स्वदृष्टवद भिर विबुधैर अभिष्टुतम, उस भगवान के धाम को लोक को जो भगवान के ही जन हैं, वे जब उस लोक का दर्शन करते हैं देवगण,
है ना, तो उन देवताओं के द्वारा उसकी बार बार स्तुति की जाती है। एक तो उसका दर्शन भगवान के भक्तजन ही कर पाते हैं, तो जब वे भगवान के भक्तजन कर पाते हैं, कर लेते हैं, तो वे देव होकर के बार बार भगवान के धाम की स्तुति करते रहते हैं। अथवा एक व्याख्या और हो सकती है, सुअदृष्टवद भी भगवत धाम को अच्छी प्रकार से कोई देख नहीं पाता, देवता भी नहीं देख पाते, किंतु वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा जैसा सुनते हैं कि ऐसा लोक है, तो वेद वाणी के द्वारा उसकी स्तुति करते रहते हैं। देख तो नहीं पाते, स्तुति करते रहते हैं, स्तुति करते करते फिर कभी भगवत कृपा मिल जाती है तो दर्शन भी कर लेते हैं। ऐसे लोक को, अपने लोक को भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन कराया। ठीक है, तस्मय ब्रह्मणे स्वलोकम वैकुंठाक्षम, उन ब्रह्मा जी को भगवान ने अपना वैकुंठ नाम का श्लोक दर्शन कराया। कैसा है, परम श्रेष्ठ है ना, यह न यत परम, जिससे परे फिर कोई लोक उत्कृष्ट है ही नहीं, यतः परम उत्कृष्टम अन्य नास्ति, जिस भगवान लोक से परे उत्कृष्ट कोई लोक नहीं है। तमेव लोकम अनुवर्णयति पंचभिः, भगवान के उसी लोक का पांच श्लोकों से वर्णन करने जा रहे हैं। पहला यही है, विपेत संक्लेश विमोह साध्वसम, विपेता संक्लेशादयो यस्मात्, जिस लोक के दर्शन से सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं, विपेत हो जाते हैं। स्वदृष्टवद भी माने सत्पुण्यवद भी, भगवान के अपने भक्त जो हैं सत्पुण्य है ना, उन्हीं के द्वारा जो है उनका दर्शन होता है उस लोक का। अथवा स्वस्य दृष्टम दर्शनम अस्ति येषाम, अथवा माने जिनको अपने भक्तजन ही जिसका दर्शन कर पाते हैं, स्वस्य दृष्टम दर्शनम अस्ति येषाम। अथवा स्वामने आत्मा, जो आत्मदर्शी हैं, आत्मज्ञानी है, उन्हीं को भगवान के श्लोक का दर्शन होता है। आत्मविद्धिरित्यर्थ, आत्मज्ञानियों। और कहते हैं कि भगवान के शो वैकुंठ धाम में महिमा बता रहे हैं, प्रवर्तते यत्र यत्र है रजस्तमस्तयोः सत्वम च मिश्रम न च काल विक्रम न यत्र माया किमुता परे हरेरनुव्रता यत्र सुरा सुरार्चिता। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, ब्रह्मा जी को वह लोक भगवान ने दर्शन कराया है जहां पर रजोगुण तमोगुण प्रवृत्त होते ही नहीं है, रजोगुण का नामो निशान नहीं, तमोगुण का नामो निशान नहीं। तो कहा कि सतोगुण होगा तो सतोगुण भी रहता है शुद्ध, सतोगुण भी देखिए दोनों गुण भी साथ में रहते हैं, तयो सत्वम च मिश्रम माने सत्य रज तम से मिश्रित सत्व गुण भी नहीं, नच काल विक्रमः, वहां काल का विक्रम माने काल के द्वारा उसका कोई नाश भी नहीं। न यत्र माया किमुता परे हरे है, और जहां पर स्वयं भगवान की माया का भी कोई प्रभाव नहीं है, फिर औरों की तो बात ही क्या है, गिनती ही क्या है। किमुता परे हरे अनुव्रता यत्र सुरा सुरार्चिता, वहां तो है ना माया जो भगवान का अनुवर्तन करने वाली है वह भी वहां नहीं पहुंचती,
और वहां पर रहने वाले जो भगवान के सेवक गण हैं, पार्षद गण हैं, वे सुर और असुर के द्वारा पूजित होते हैं। केवल मात्र भगवान के अनुयायी, अनुव्रत माने अनुयायी, सेवा करने वाले है ना, काम धाम करने वाले रहते हैं, और वे संसार के देवता और असुरों के द्वारा पूजित होते हैं। ठीक है, तयोस्ताभ्याम मिश्रम सत्वम च न प्रवर्तते। भगवान के उस वैकुंठ धाम में रजोगुण तमोगुण अकेले तो रहते ही नहीं है, इन दोनों से मिश्रित सत्व गुण भी नहीं रहता, किंतु शुद्ध में वो सत्वम विशुद्ध सत्व गुण ही है, मिश्रण नहीं। काल विक्रमो नाशः, काल का विक्रम क्या है, नाश कर देना, काल नष्ट करता रहता, ऐसा नहीं। अपरे राग लोभादयो नशंतीति किम वक्तव्यम। तब जहां तीनों गुण ही नहीं है, तो दूसरे जो गुणों के विकार हैं, राग द्वेष लोभ काम क्रोध आदि, इनकी तो बस ही नहीं है वहां पहुंचने की। वहां तो एकमात्र भगवान के अनुयायी अनुव्रत पार्षद ही रहते हैं। अब उनके मंगलमय स्वरूप का वर्णन करते हैं। श्यामावदाता शतपत्र लोचना पिशंग वस्त्रा सुरज सुपेश सर्वे चतुर्बाहव उन्मसन मणि प्रवेक निष्काभरणा सुवर्चस प्रबाल बलदूरी मृणाल वर्चस परिस्फुरत कुंडल मौलिमालिना। भगवान के धाम में रहने वाले पार्षद है ना, श्याम वर्ण के उज्ज्वल तेजोमय और सतपत्र लोचना, सतपत्र माने कमल, कमल के समान नेत्र वाले, पिशंग वस्त्राह और पीत वस्त्र वाले, सुरुचः सुंदर शोभाशाली, सुपेशसः अत्यंत सुंदर कोमल, सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषण मणि और सभी पार्षद चार भुजाओं वाले होते हैं। उनके मंगलमय विग्रह में है ना मणियां, मूंगे, निष्क, आभरण ये चमकते रहते हैं, सुंदर तेज उनका चमकता रहता है। प्रबाल वैदूर्य मृणाल वर्चस, प्रबाल रत्न है, वैदूर्य मणि रत्न है ना, इनके समान जो है उनमें तेज चमकता रहता है। परिस्फुरत कुंडल मौलिमालिना, उन पार्षदों के कानों में जो कुंडल होते हैं, वे कुंडल और मस्तक का मुकुट माला ये सब स्फुरित होते रहते हैं, दम दम दमकते रहते हैं। भ्राजिष्ठ भीर यहाँ परितो विराजते लसद विमाना बल भीर महात्मनाम विद्योतमानः प्रमुदोत्तमाद्युभिः सविद्युदभा वलिभिर यथा नभः। और कहते हैं कि उस भगवान के वैकुंठ धाम में है ना परिता विराजते, जहां पर भ्राजिष्णु भी तेजोमय लसद विमानावल भी, भगवान के उस धाम में तेजोमय विमान के अवली माने समुदाय ढेर, झुंड के झुंड है ना, उन विमानों में कौन निवास करते हैं, महात्मा नाम महात्मा लोग, पुण्यशाली लोग, वे असंख्य तेजोमय विमान महात्माओं के चारों ओर मंडराते रहते हैं वैकुंठ धाम में, और वे नाना प्रकार की अवलियों से सुशोभित रहते हैं। और क्या रहता है, विद्योतमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः। कहते हैं कि उत्तम तेजोमयी प्रमदाएं युवतियां, जिनका
जिनका सुंदर वर्ण जो है बिजली के समान चमकता रहता है, सविद्रावलभिर यथा नभ है ना। भगवान सुखदेव जी कहते हैं जैसे नभ माने आकाश, आकाश की जैसे शोभा होती है, किस तरह से होती है ना, विद्युत से युक्त बादल। देखिए बिजली एक, अभ्र माने बादल दो, बादलों की अवली माने झुंड, झुंड के झुंड बादल हो और बादलों में बिजली चमक रही हो, तो उससे जैसे आकाश की शोभा होती है, वैसे ही भगवान का जो वैकुंठ धाम है उसकी उपमा दी गई है नभ से, आकाश से। और जो वहां पर महात्माओं के असंख्यात विमान हैं उनकी उपमा दी गई है बादलों के समुदाय से। और जो उनके साथ में जो सुंदरी प्रमदाएं अपने तेज सौंदर्य से प्रकाशित हो रही हैं उनकी उपमा दी गई है बिजलियों से। तो बिजली जो है बादलों के साथ में ही तो उगती है, तो उनके महात्माओं के विमानों में विमान तो बादल की तरह से हैं, और उनके साथ में जो युवतियां हैं वे बिजली की तरह से हैं। इस तरह से युवती विमान है ना, बिजली और बादल समुदाय से जैसे आकाश की शोभा होती है, ऐसे भगवान के वैकुंठ धाम की शोभा होती है। टीका पहले 11वां, श्यामाश्चते अवदाता उज्ज्वलाश्च। भगवान के धाम के पार्षद कैसे हैं, श्याम वर्ण के, और अवदा श्याम माने काला का लूटा नहीं, उज्ज्वल मणि की तरह से, और पद्म नेत्रा कमल के समान नेत्र हैं, पीतांबरा पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, सूर्य अति कमनीया बहुत सुंदर हैं, सुपेश अति सुकुमारा बड़े कोमलंग हैं, और उर्मिशंति प्रभाव प्रभावंतो मणि प्रवेका, मणियों के प्रवेक झुंड है ना, मानो आंख खोल रहे हो, निमेश उन्मेष पड़ रहे हो, ऐसे कौन उत्तम मणियां ये उनके शरीर में आभूषणों के रूप में शोभित हो रही हैं। ये सुतान निष्काणी, निष्क कहते हैं हार आदि को, पदकान्याभरणानि च, पदक और आभरण आदि ये जिनके उत्तम मणियों से युक्त होकर के शोभित हो रहे हैं, सुवर्चसो अति तेजस्विनः, और जो अत्यंत तेजस्वी हैं, प्रबालादिवत वर्चो वर्णो ये शाम, प्रबाल मणि के तरह जिनका तेज है वर्ण है, ऐसे पार्षदगण, और परितः स्फुरन्ति कुंडलानि मौलयो मालाश्च सन्ति ये शान्ते है ना, जिनके गले में मालाएं, कुंडल कानों में कुंडल चारों ओर से प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे पार्षदगण भगवान के उस वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। 12वां, पार्षदान अनुवर्ण्य पुनरपि लोकमनुवर्णयति। भगवान के धाम में पार्षदों का वर्णन करके और पुनः वैकुंठ लोक का फिर वर्णन करते हैं। भ्राजिष्ट भी देदीप्यमाना भी, जो अपने सौंदर्य तेज से देदीप्यमान हो रही हैं प्रमदाएं, प्रमदोत्तमानाम उत्तम स्त्रियां, दिवह कांतयः जिनके तेज की कांतियां, ताभिर विद्योतमानः उनके द्वारा वह वैकुंठ धाम प्रकाशित बना रहता है, और सह विद्युत भीर वर्तमानः बिजली के से वर्तमान, जैसे सह विद्युतस्तारा विद्युतस्ताभिः अभ्रावलिभिः, जैसे बिजली से युक्त अभ्रावली माने बादलों का झुंड, वैसे ही
उन कांतिमती युवतियों से वह प्रकाशित होता है। तत्र विद्युत इव स्त्रियः, तीन प्रकार की उपमा का विवेचन कर रहे हैं। बिजली के समान तो स्त्रियों का की शोभा है। अभ्रपंक्त इव विमानानि, और बादल की पंक्तियों की तरह से महात्माओं के विमान हैं। और नभ इव लोकः, आकाश के समान वैकुंठ लोक है। और देखिए, श्रीयत्र रूपिणी उर्गाय पादयोः करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेंखम शिताया कुष्मा करावनुगैर विगीयमाना प्रियकर्म गायती। यत्र माने जिस वैकुंठ धाम में श्री माने लक्ष्मी जी रूपिणी, अत्यंत रूपवती लक्ष्मी जी क्या करते हैं, उरुगाय पादयोः मानम करोति। उरुगाय माने भगवान नारायण के चरणों की सेवा करती हैं। और बहुधा विभूत भी मानम करोति, और श्री लक्ष्मी जी अपनी विभूतियों के द्वारा भगवान की सेवा सम्मान करती रहती हैं। तो तीसरा, प्रेंखम शिताया कुसुमा करानुगई ही, और श्री लक्ष्मी जी जहां पर जिस वैकुंठ धाम में हिंडोल में बैठ करके स्थित होकर के हिंडोला झूला और कुसुमा कर माने बसंत ऋतु का अनुकरण करने वाले कौन भावरे, भावरे जो हैं लक्ष्मी जी का यश गान करते करने लगते हैं। माने लक्ष्मी जी झूले में बैठी हुई भगवान का यश गान करती हैं, और भावरे लोग गुनगुना करके लक्ष्मी जी का यश गान करते हैं। दोनों का यश गान होता है। ठीक है, श्री संपत शोभा रूपिणी मूर्तिमती, मानो ऐश्वर्य संपत्ति रूपवती होकर के वहां प्रकट हो। मान माने पूजा करना, आदर करना। विभूति भी नाना विभवई ही, वे लक्ष्मी जी नाना विभवों के द्वारा भगवान की पूजा करती रहती हैं। प्रेंखमांडोलम संसिता, और झूले में आश्रित होकर के बैठ करके कुसुमा करो बसंता, बसंत ऋतु तस्यानुगाह भ्रमराह, बसंत ऋतु का अनुसरण करने वाले भ्रमरगण है ना, विविधम गीयमाना, वे जो है श्री लक्ष्मी जी की, श्री जी की स्तुति करते हैं, और स्वयं लक्ष्मी जी भगवान की स्तुति करते हैं। स्वयं तो प्रिय से हरे कर्म गायंती भवती, श्री लक्ष्मी जी स्वयं अपने प्रिय भगवान के यश का गान करते हैं, और भ्रमर लोग लक्ष्मी जी के यश का गान करते हैं। ददर्श तत्वाखिरसात्वतां पतिम श्रियपतिम यज्ञपतिम जगतपतिम सुनंदनंद प्रबलार्हणादिभि स्वपार्षद मुख्य परिसेवितं विभुम। भगवान के वैकुंठ धाम का वर्णन के बाद आप कहते हैं कि ऐसे धाम में भगवान का दर्शन किया ब्रह्मा जी ने। तत्र अखिल सात्वताम पतिम, भगवान समग्र भक्तों के स्वामी हैं, रक्षक हैं। एक श्री अपतिम, श्री लक्ष्मी जी के पति हैं, रक्षक हैं। दो यज्ञपतिम, यज्ञों के स्वामी हैं। तीन और सारे संसार के पति हैं। चार ऐसे भगवान का दर्शन हुआ ब्रह्मा जी को, और कैसे। पांचवा सुनंद नंद प्रबल अर्हणादि भी, सुनंद नंद प्रबल अर्हा आदि 16 पार्षद भगवान के वैकुंठ धाम में रहते हैं ना, तो उनमें से मुख्य मुख्य पार्षदों के नाम ले लिए गए। स्वपार्षद मुख्य ही परिसेवितं विभुम,
अपने इन मुख्य पार्षदों के द्वारा जिन भगवान की सेवा की जा रही है उनका ब्रह्मा जी ने दर्शन किया, भगवत धाम का दर्शन किया और भगवत धाम में भगवान का दर्शन किया। या एवं भूतो लोकस्तत्र तस्मिन, ज्यादा व्याख्या नहीं है। अब भगवान का वर्णन करते हैं। भृत्य प्रसादाभिमुखम दृगाशवम प्रसन्न हासारुलोचनाननम किरीटिनम कुंडलनम चतुर्भुजम पीताम्बरम बक्षसि लक्षितम श्रिया। कहते हैं कि ब्रह्मा जी जो है भगवान का दर्शन जो कर रहे हैं कैसे हैं? भृत्य प्रसादाभिमुखम दृगाशवम, भगवान के नेत्र के जो आसव नेत्रासव हैं मानो भक्त पर प्रसन्न होकर के भक्त की ओर देख रहे हैं, ऐसा ब्रह्मा जी को दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा जी स्वयं भक्त हैं, तो मानो ब्रह्मा जी जो भगवान के भक्त हैं तो उनकी ओर बड़ी कारुणिक प्रेम पूर्ण दृष्टि से भगवान देख रहे हैं। नेत्रों से पता चल जाता है कि प्रेम से देख रहा है कि गुर्रा रहा है कि क्रोध में है ना। दुर्गाशवम और प्रसन्न हासारुलोचनाननम, भगवान का है ना नेत्र लोचन तो और लाल है, ऐसे लोचन वाला मुखारबिंद जिस मुखारबिंद में प्रसन्न हास है और लाल लाल नेत्र हैं, ऐसे मुखारबिंद वाले भगवान का दर्शन ब्रह्मा जी ने किया। दो चीजें, तीसरा किरीटिनम कुंडलिनम चतुर्भुजम, भगवान किरीट मुकुट कुंडल धारण किए हुए हैं, चतुर्भुजम चार भुजाएं हैं भगवान की, पीले वस्त्र हैं, वक्षस लक्षितम श्रिया और वक्षस्थल में श्री वत्स के चिन्ह से लक्षित हो रहे हैं, श्री जी विराजमान हैं। टीका, भक्त्यानाम प्रसादे अभिमुखम, भगवान का दर्शन जब ब्रह्मा जी को हो रहा है तो कैसा हो रहा है? मानो अपने सेवकों के प्रति प्रसन्नता प्रसाद देने को अभिमुख हो रहे हैं। दृगेव आसव इव दृष्टि नाम हर्ष करी यश तम, भगवान के जो नेत्र हैं वे आसव कहते हैं मद्य को, मद्य पीने से व्यक्ति पागल हो जाता है ना, माने मस्त हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसे भगवान का जो भी दर्शन करता है तो उसको बड़ा हर्ष प्राप्त होता है, ऐसे नेत्र भगवान के। प्रसन्न हासा हासम अवलोचनम चाननम यस्य, जिन भगवान का में प्रसन्न हास है, लाल नेत्र है, ऐसा मुखारबिंद है, वक्षस स्थितया च श्रिया लक्षितम, और वक्षस्थल में श्री जी लक्षित हो रही स्थित हैं, अलंकृतम इत्यर्थ अलंकृत हैं। पुनः अध्यर्हणीया षडमास्थितम परम व्रतम चतुषोडश पंच शक्तिभिः युक्तम भवैश्वरत्चाध्रुवैः स्वयेव धामन रममानमीश्वरम्। पुनः कहते हैं कि भगवान जिस आसन पर विराजमान है वह बहुत ही श्रेष्ठ है। अध्यर्हणी आसन मास्थितम, भगवान का जिस आसन पर विराजमान है अतिशय श्रेष्ठ है। और चतुष्षोडश पंच शक्ति भी व्रतम, चार सोलह और पांच, चार का मतलब अव्यक्त महातत्व अहं तत्व और सोलह ज्ञानेन्द्रियां कर्मेन्द्रियां मन तन्मात्राएं और पांच माने पंचभूत, इनको टोटल करेंगे तो पच्चीस तत्व हो गए।
प्रकृति के 2500 तत्व मूर्तिमान होकर के भगवान को चारों ओर से घेरे हुए हैं, भगवान व्रत हैं उनसे घेरे हुए। और युक्तम भगवेश वितरत प्रचार धुवई ही, भगवान के 6 भग है ना, समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र श्री, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य, ये जो 6 भग हैं नित्य, उनसे भगवान युक्त हैं। और ये भगवान के भक्त भग कैसे हैं, भगवान में तो नित्य रहते हैं, ये तरह प्रचार ध्रुवई ही, और लोगों में ध्रुव नित्य नहीं रहते हैं, थोड़े छोटे मात्रा में रहते हैं, नित्य नहीं रहते हैं, कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, किंतु भगवान में समग्र ऐश्वर्य ज्ञान वैराग्य आदि नित्य रहते हैं, उन अपने 6 भगों से युक्त हैं, सुशोभित हैं। अश्वा एव धामन रममान ईश्वरम, और वे भगवान अपने ही धाम में रमण करते रहते हैं, उनको और कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे भगवान का दर्शन किया ब्रह्मा जी ने, और कहते हैं अध्यर्हणीयम वरिष्ठम सिंहासनम, बेस कीमती सिंहासन भगवान के विराजमान होने वाला। चतस्रः 4 प्रगति पुरुष महत अहंकार रूपा 4, और 16 कौन हो गए, एकादशेंद्रिय पंच महाभूताख्या 11 और 5 16, और पंच तन्मात्रा रूपा या 5, ये 25 शक्तियां हैं, इनसे भगवान घिरे हुए हैं। और भगवान के 6 भग ऐश्वर्य स्वाभाविक ही, ऐश्वर्यादि भी, भगवान के तो ये 6 भग स्वाभाविक है, नित्य रहते हैं। इतरत्र योगिषु अद्भुवई ही, अन्य जगह योगियों में कभी होते हैं कभी नहीं होते, थोड़े होते हैं, आगंतुक हैं, साधारण रित्यर्थ माने साधारण कोटि में रहते हैं। एवं सत्यति स्वयं धामन स्वस्वरूपे और अवमानम, ऐसा होने पर भी यह सब है किंतु भगवान अपने ही धाम रूपी स्वरूप में ही रमण करते रहते हैं। अतएव ईश्वरम, और इसीलिए वे ईश्वर हैं, सर्वनियामक हैं, उनसे बढ़ करके तो कोई है ही नहीं कि रमणीय हो। अब ऐसे भगवत स्वरूप का दर्शन जब ब्रह्मा जी को हुआ, तब देखिए कहते हैं 2 श्लोक, तब दर्शनाह्लाद परिप्लुतांतरो हृष्यतनुः प्रेम भरा सुलोचनः, न नाम पादाम भुजमस्य विश्वसृजियत पारमहंसेन पथाधिगम्यते। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ऐसा जब भगवान का दर्शन ब्रह्मा जी को हुआ तो उस दर्शन के से इतना आह्लाद हुआ ब्रह्मा जी को कि उनके भीतर आनंद भर गया, परिप्लुतांतर रहा, और शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, हर्षतनु, और प्रेम से नेत्र भर करके अश्रु आ गए, प्रेम भरा सुलोचना, और तुरंत जो है ननाम पादाम भुजमस्य विश्वसृक्, विश्व रचयिता ब्रह्मा जी ने तुरंत भगवान के चरण कमल में प्रणाम किया। भगवान के चरण कमल, भगवान का यह स्वरूप है ना, कब प्राप्त होता है, किसको प्राप्त होता है, यद पारमहंसेन पथाधिगम्यते, भगवान का यह स्वरूप परमहंस के मार्ग पर जो साधन के लिए लगते लगे रहते हैं, यति लोग, परमहंस संहिता है ना, परमहंस के मार्ग में जो साधन में लगे रहते हैं, चलते रहते हैं। परमहंस के मार्ग में साधन में लगने का रहस्य क्या है, उसका रहस्य यह है
कि उनको लोक परलोक कहीं का कोई वस्तु, कोई विषय, कोई पदार्थ, कोई फल कुछ नहीं चाहिए। चारों ओर से निष्प्रिय होते हैं, निष्काम होते हैं। ऐसे परम निष्काम हुए बिना भगवान का यह स्वरूप और ये चरण कमल कभी प्राप्त हो ही नहीं सकते। क्योंकि देखिए, पीछे बता चुके हैं ना, युक्त युक्त बात है। भगवत धाम में रजोगुण नहीं, तमोगुण नहीं, सत्वगुण नहीं, मिश्रित गुण नहीं, शुद्ध सत्वात्मक सब बता चुके हैं। तो माने पहले धाम दर्शन में आवे, फिर धाम में भगवत स्वरूप और भगवान का स्वरूप कैसा, ऐसा ऐसा बताया कि जिनको कहीं अन्यत्र रमण है ही नहीं, माने जिनकी दृष्टि में और भी कोई महत्वपूर्ण वस्तु हो सकती है ही नहीं कुछ, तो वे भगवान तो उन्हीं को मिलेंगे ही, है ना। जिनका साधन इतना ऊंचा हो कि कहीं किसी प्रकार से कहीं मन में अटकाव ही न हो, न पारमहंसे न पथाधिगम्यते। टीका, तस् दर्शनेन यह आह्लादः, भगवान के दर्शन से जो आह्लाद मिला, तेन परिप्लुतम, उससे वे अत्यंत शराबोर हो गए, डूब गए। व्याप्तम आंतरम अंतःकरणम यस्य, उनका भीतरी अंतःकरण जो है परिप्लुत हो गया। हृष्यन्ति रोमांचिता तनुर्यस्य, और ब्रह्मा जी की तनु माने शरीर रोमांचित हो गई, और प्रेम भरेण अश्रुणि लोचने सुयस्य, प्रेम से भरे हुए अश्रु भगवान ब्रह्मा के नेत्रों में आ गए। ऐसे विशेषक ब्रह्मा जी ने उनके चरण कमलों में प्रणाम किया। ये भगवान कौन है? पारमहंसेन पथा ज्ञान मार्गेण, ज्ञान मार्ग के द्वारा। क्योंकि देखिए, पहले हम पहले परिचय तो प्राप्त करें, हम किसको चाहते हैं उसको जाने पहले, और जान करके फिर हमारा उसमें प्रेम हो तब तो प्राप्त होंगे, है ना। तो परमहंस मार्ग के द्वारा ही भगवत तत्व जाना जाता है, फिर प्रेम होता है। और देखिए, तम प्रियमाणम समुपस्थितम तदा प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणम बभाषित स्मित शोचिषा गिरा प्रिय प्रियम प्रीत मना करे प्रसन्न, है ना। तम प्रियमाणम समुपस्थितम तदा, माने जब ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया, तब स्वयं भगवान ही प्रसन्न होकर के उनसे बोले। तम माने ब्रह्माणम, ब्रह्मा जी से, है ना। कैसे ब्रह्मा जी? प्रियमाणम, अत्यंत जो है उनको प्रेम अर्पण करते हुए, है ना, और प्रसन्न होकर के जो उपस्थित थे। एक, और प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणम, ब्रह्मा जी संसार की सृष्टि करेंगे ना, तो उसके बारे में उनको कुछ बात बतानी है, इनको रास्ता बताया जाना है कैसे सृष्टि करो। ऐसे ब्रह्मा जी के प्रति ईषद स्मित सोच सा गिरा, कुछ मुस्कुराते हुए तेजोमयी वाणी से युक्त होकर के प्रीत मना सन प्रियम प्रिय अत्यंत मन से प्रसन्न प्रसन्न होकर के प्रिय होकर के अपने प्रिय को हाथ से छू करके स्पर्श करके उनसे बोले। जैसे कोई मित्र जो है हाथ मिला करके कहे, कहो भाई ठीक हो, समाचार बताओ, ऐसे भगवान ने पूरी तरह से जो है उनसे हाथ उनके कर का स्पर्श करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, है ना, परम प्रिय मान करके स्वयं प्रिय है भी, और मुस्कुराती हुई तेजोमयी वाणी में उनसे कहने लगे।
टीका तम ब्रह्मानं भगवान बधासे, उन ब्रह्मा जी से भगवान बोले। कैसे बोले? प्रजा विसर्गे कार्ये, प्रजा की रचना रूपी कार्य में निज शासन अर्हणम, अपने द्वारा उपदेश देने के योग्य स्वर्ण योग अर्हम, कुछ रास्ता उनको बताने के योग्य। प्रजा विसर्गे समुपस्थितम इति वान्वय, अथवा जो प्रजा की उत्पत्ति करने के लिए उपस्थित थे ब्रह्मा जी। ईषद स्मितेन सोचिर दीप्ति ही, कुछ मुस्कुराने से जिनके मुखारविंद में दीप्ति प्रकट हो रही, शोभा प्रकट हो रही है। यस्यास्तया गिरा, ऐसी वाणी से ब्रह्मा जी से भगवान बोले। बस रहने दीजिए, अब क्या बोले। 18 तक हुआ।